हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। आज जो मैं आपके पास केस लेके आई हूँ वो है सोशल मीडिया पे एक वायरल होने वाली वीडियो। बहुत ही नाज़ेबा वीडियो है हरीम शाह की। हरीम शाह की जब भी बात होती है तो बोल्डनेस का एक लफ्ज़ जो है वो दिमाग में आता है। वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करती जो कि बताने के लायक हो। एक न्यूज़ आई है, वो हरीम शाह की वीडियो लीक हुई है और हरीम शाह की बहुत ही बेहुदा वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है और ये इस टाइप टॉप पे ट्रेंड कर रही है। हरीम शाह की नाज़ेबा वीडियो वायरल हुई है जिसका उन्होंने खुद से इतराफ़ कर लिया। हरीम शाह ने कहा कि ये मेरे मोबाइल से चोरी की गई हैं, वीडियोज़ मेरी ही हैं और मैं ही हूँ ये, और वो जितनी भी पिक्चर्स हैं वो हम आपको नहीं दिखा सकते अपने चैनल्स पर, आपको दूसरे चैनल्स पर वो पिक्चर्स मिल जाएंगी। हम आपको जस्ट एक न्यूज़ दे रहे हैं कि हरीम शाह की जो न्यूज़ चल रही है उसकी क्या हकीकत है। उसकी हकीकत ये है कि हरीम शाह का कहना है कि ये मेरी अपनी वीडियो है, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन अब बहस ये छिड़ गई है कि उसमें जो वीडियो में एक दिखाया जा रहा है वो किसने वीडियोस बनाई और वो लीक कैसे होगी। और इन वीडियो को मेन क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये कि ऐसी वीडियोज बनाने की ज़रूरत क्या थी। हरीम शाह के मुताबिक ये जो वीडियोज़ हैं उनकी जो फ्रेंड्स थी जैसे संदल खटक और आयशा, वो उनके फ्लैट में उनके साथ रहती थी। उन्होंने ये एडमिट किया है कि ये मेरा ही फ्लैट था जहाँ की वीडियोज़ ये लीक हुई हैं और ये मेरी फ्रेंड्स ने ही बनाई थी। अगर फ्रेंड्स ने बनाई थी तो उन्होंने फ्रेंड्स को अलाउ क्यों किया बना के देने के लिए। दूसरी बात ये कि फ्रेंड्स ने बनाई, इन्होंने अपने कहती हैं कि मेरे मोबाइल से चोरी की गई, तो क्या कोई भी लड़की इस टाइप की वीडियोस अपनी बनाती है। ये एक बहुत ही कॉमन और एक सेंसिबल सा क्वेश्चन है जो कि हम हरीम शाह से दिल करता है कि कभी पूछें कि ऐसी वीडियोज़ कौन बनाता है, ऐसी वीडियोज़ बनाने ज़रूरी क्यों है। इस टाइप की वीडियोज़ के बारे में अब यही कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है अगर उन्होंने स्पेशली ऐसी वीडियोज़ अपनी खुद किसी लड़की ने बना के रखी है तो ये सस्ती शोहरत का तरीका है कि जब अब उनको शोहरत नहीं मिल रही, उनका कहीं नाम नहीं है, तो उन्होंने अपनी वीडियो खुद ही लीक आउट कर दी है शोहरत लेने के लिए। और यही हुआ है फैक्ट कि आज वो टॉप ट्रेंड पे उनका नाम चल रहा है। उनके बकौल कि ये मेरी फ्रेंड्स ने किया है और मैंने FIA पे लास्ट ईयर कंप्लेन भी की थी, इनकी फ्रेंड संदल खटक और आयशा भी उन्होंने नाम लगाया है। लेकिन अगर एक वीडियो में हम देखें क्लिप तो ये जो आपको हाथ नज़र आ रहा है इसमें आप देख सकते हैं कि ये किसी जेंट्स का हाथ है जिसमें पता चल रहा है कि ये जेंट्स का है। लेकिन हरीम शाह कहीं पे भी अपने हस्बैंड का नाम नहीं ले रही और अपनी सहेलियों पे नाम लगा रही हैं कि आयशा और संदल खटक ने ही मेरी लीक की। सब लोगों का मीडिया में ही कहना है कि जो वो दूसरों के साथ करती थी आज उनके साथ हो गया है। और लोगों के मुताबिक इनका और उनके हस्बैंड का क्लैश चल रहा है और उनके हस्बैंड ने वीडियोज़ लीक की हैं। इसके से मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल। कीप लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।